शिवपुरी के कोलारस थाना अंतर्गत आने वाले हाईवे पर सड़क पार करते समय युवक में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं युवक को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक के जीजा लालाराम जाटव ने बताया कि धर्मेंद्र जाटव पुत्र भरोसी जाटव उम्र 25 साल निवासी ग्राम पनवारी अपने गांव से कोलारस होटल पर कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था, तभी सड़क पार करते समय पूरनखेड़ी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रोंद दिया, जिसके बाद परिजनों को जानकारी लगी, तत्काल जिला अस्पताल लेकर आए। वहीं युवक का उपचार जारी है। आपको बता दें कि युवक का पैर फ्रैक्चर बताया जा रहा है। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपके? लालाराम जाटव। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, कहां पे हुआ है, कैसे हुआ? पूरनखेड़ी टोल पार कर गए कोलारस तरफ। कैसे हुआ? पता है, रोड क्रॉस कर रहा था तो ट्रक वाले बोले, मैंने देखा था यहाँ से, बोले ट्रक वाले देख गया। कितने अपन को? 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे। कहाँ क्या चोट आई? पैर फ्रैक्चर है ना, वो जगह जगह मुझे चोट आ गई, मतलब। अरे पड़ोस में रोड पे था, उसने फोन लगाया, एक्सीडेंट हो गया भाई। एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस आ गई तो वोट आ गया, अपने हॉस्पिटल ले आया। मेरा साला लगता कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये गांव से होटल पे आया था, कुछ लेने को आया था, पनवारी से ग्राम।